मन अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं इकरा, यू वाचिंग इकरा विद व्लॉग। और हमेशा की तरह आज हम लोग निकले हैं बाहर आउटिंग के लिए, और काफी दिनों बाद मेरी वापसी हुई यूट्यूब पे, और कोशिश होगी कि व्लॉगिंग दोबारा शुरू करूं। और उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मजे में होंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर करने, तो अभी लाइक दो हमने जो है वो रेस्टोरेंट सोचे हैं, और अब अभी तक कंफर्म नहीं कि किस कहाँ जाएंगे, तो जैसे ही कंफर्म होता है वहाँ पहुँच के आपको बताते हैं। तो लेट्स गो। तो गाइज हम लोग आ गए हैं फूड्स इन बहादुराबाद, और हम यहाँ पे करेंगे डिनर। तो आइए चलते हैं डिनर करने। गाइज हम लोग फूड इन आ गए हैं, और यहाँ पे जो है वो इतनी लंबी वो है वो वेटिंग है कि मुझे तो मेरे तो अब जो है ना वो अंदर से पता नहीं क्या दिल गुर्दे बाहर ना आ जाए भूख में, और शदीद भूख लगी है अभी। तो खैर चेक करते हैं कितना टाइम लगता है। अभी टाइम हो रहे हैं तकरीबन 12:30। लेट्स सी कि कितना वेट करना पड़ेगा हमें। मम्मी कैसा लग रहा है इंतज़ार करके? इंतज़ार करके कैसा लगेगा? भूख इतनी लगी है, हद से ज़्यादा भूख लगी है। लोगों ने ये लगाया हुआ है फूड से हाँ इनको तो देखकर और भूख बढ़ती जा रही है भाई, और तकलीफ बढ़ रही है, और शदीद भूख आ गई। फाइनली आ गया। तो हम अभी ऑर्डर अभी प्लेस कर रहे हैं, और क्योंकि हमने पहले डिसाइड कर लिया था मेन्यू देख कर मोबाइल पर, तो अब पहले तो स्टार्टर्स मंगवाए हैं, अब देखते हैं कितना टाइम लगता है मेन कोर्स आने में। कि मुझे शदीद वाली भूख लगी, शदीद, और टाइम जो है 1:45 बज गया। इतना वेट नहीं करना पड़ा था, 10 से 15 में वेट करना पड़ा था नीचे, पर अब पता नहीं खाना आने में कितना टाइम लगेगा। खाना खा लिया, और खाने के टाइम पे मैं भूल ही गई कि मैं तो व्लॉग बना रही थी, क्योंकि एक तो खाना देखकर भूख की लगी थी कि रुका नहीं गया हाथ, और सेकंड बात ये थी कि मैंने व्लॉग बनाना छोड़ दिया था। तो अब मैंने दोबारा से लाइक शुरू किया है व्लॉग बनाना, तो फिर इस वजह से हो गया था मुझसे, लाइक भूल रही थी मैं। तो अब गाड़ी का वेट कर रहे हैं, जो कि पार्किंग में गई हुई, और वो जैसे आएगी तो हम लोग जाएंगे घर की तरफ। तो नहीं फिलहाल, क्योंकि मीठा मैंने यहाँ से नहीं खाया, और मीठे के लिए जो है वो थोड़ा सा इधर उधर जाएंगे, और सोचा तो आइसक्रीम ही है, पर देखते हैं क्या खाएंगे। तो चलिए चलते हैं। मुल्क के हालात ऐसे हैं कि ये जो है मेन इमेजिना रोड, उसको ब्लॉक करके लोग खड़े हैं। लाइट जो है वो कि इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जिनकी वजह से जो लोग हैं वो अपने घरों की चीज़ें बेच कर वो इलेक्ट्रिक बिल जो है वो पे करने पर मजबूर हैं बेचारे। तो खैर गाइस अब हम जा रहे हैं कुछ मीठा खाने, और अवे कहाँ जा रहे हैं मीठा खाने? हाँ मम्मी बोर्ड पे हम जा रहे हैं, बोर्ड पे क्योंकि फूड्स इन तो मतलब मैंने डिसाइड किया था, क्योंकि हम लोग एक तो कोकोनट ग्रूव जाना चाह रहे थे, सेकंड अम्मी चाह रही थी कि हाईवे पे खाना खाया जाए, और मैं चाह रही थी कि फूड्स इन खाना चाहिए। ठीक है, तो हम मेरी मानी गई थी, क्योंकि आज मैं बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हूँ, वो इसलिए कि मैं स्पेशल हूँ और मैं पूरे एक सवा महीने बाद घर से बाहर निकली हूँ, तो ये मेरी दावत थी, मतलब मुझे दावत दी थी अम्मी और अवेश ने, तो इसलिए मुझे बहुत स्पेशल फील, वैसे मुझे स्पेशल फील करवाया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, पर आज मुझे ज़्यादा इज्जत मिल रही है, क्योंकि मैं जिन आज़ाद हुआ है 1.25 महीने के बाद, और सेकंड बात ये हाँ बोतल का जिन जो बोतल से बाहर आ गया फाइनली, और ऐसा लग रहा है कि हाँ अब मुझे सांसें आ रही, क्योंकि मैं वो शख्स हूँ जो ना घर में एक दिन भी नहीं बैठता सुकून से,
क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे घुमाने फिराने रोज लेकर जाते हैं, तो मेरा घर में जो रहना है ना वो बहुत ही मुश्किल था। खैर तो हम लोग अभी जा रहे हैं, अब देखते हैं कहाँ अविस मीठा खिलाते हैं, आइसक्रीम फालूदा टाइप ही कुछ खाना है, तो लेट्स सी अविस कहाँ लेकर जाएंगे। मेरे साथ रहिएगा, स्टे ट्यून्ड। खैर गाइस, तो हम लोग आगे बलोच आइसक्रीम, और यहाँ की आइसक्रीम वाकई बहुत जबरदस्त है, मुझे शुरू से पसंद है। मोहम्मद अरम क्या खा रहे हो बेबी? और ये अरम के जो अबू हैं उनको आज म्यूजिक सुनने का शौक है, तो बाहर गोल बसन में बाबा जो हैं वो एक सिंधी वो कलाम कर गाना गा रहे हैं, और वो पता नहीं क्या शौक है आइसक्रीम के साथ बाबा की सिंगिंग। अभी ये चाय शौक ये लो एमन, एमन अपने बाबा के साथ आइसक्रीम खाते हुए। क्या हुआ है मोहम्मद अरहम, मुझे बताओ, इधर आओ मुझे बताओ क्या हुआ है मामा के बेटे को, क्या हुआ? आइसक्रीम पापा ने थोड़ी खिलाई, आपने खुद खाई ना, आप मना कर देते तभी। अब खांसी हो रही है तो बागलों की तरह क्यों हो रहे हो? खैर वो बाबा के काम देखे, वो अपनी खर्ची लेकर चले गए, फिर इनको भेजा है कि साईं को खाना सुनेगा, वो चौंक के और साईं को सुनाओ और पैसे ले जाओ। तो साईं आपका क्या ख्याल है, सुनना है? साईं ने बत्तियां ही बंद कर दी है, घर लाइट ऑफ कर दी है। हाँ मम्मी, साईं डब्बे में बत्ती बंद करे जीवन। पहले से ये तंबूरा था, अब सामने ढोल वाले बाबा भी आ गए हैं।